बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। तो आज बना रहे हैं हम कोईमा कोयला कढ़ाई। तो उसके लिए मैंने 1 केजी कीमा लिया है, उसी के साथ ही 1 बड़े साइज़ की प्याज है जिसको मैंने फाइन चॉप कर लिया है। टमाटर लिए हैं 4 नॉर्मल साइज़ के जिसको मैंने इस तरह से काट लिया है। मसालों में मैंने लिया है 1 टीस्पून लहसुन पाउडर, 1 टीस्पून जिंजर पाउडर, कोई भी 2 टीस्पून कढ़ाई का मसाला ले लीजिए, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर लिया है, 2 टेबल स्पून ज़ीरा लिया है, नमक आप अपने अकॉर्डिंग डाल दीजिए, बे लीव्स लिए हैं 2 और कुटी हुई लाल मिर्चें लिए हैं 2 टेबल स्पून, 2 टेबल स्पून धनिया कुटा हुआ लिया है और 1/2 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर लिया है और 3 हरी मिर्चें लिए हैं जिसको मैंने चॉप कर लिया है। तो मसालों में ये सब है। गार्निशिंग में हमारे को चाहिए बंच हरा धनिया का और जूलियन में अदरक चाहिए कटी हुई, कसूरी मेथी 2 टेबल स्पून चाहिए और हरी मिर्चें गार्निशिंग के लिए चाहिए और दही मैं आपको बताना भूल गई, दही भी 2 टेबल स्पून चाहिए। अब एक मैंने कढ़ाई ले ली है, इस कढ़ाई में 1/2 कप ऑयल डाल दिया है, इसी में मैं अपने बे लीव्स, इसमें मैंने बे लीव्स डाले हैं, जीरा डाला है और जिंजर पाउडर, गार्लिक पाउडर और प्याज, इन सबको अब मैं मिक्स करूँगी गोल्डन होने तक, प्याज को गोल्डन होने तक मैं पकाऊँगी। अब इसको 10 मिनट तक मैं ढककर 10 मिनट तक कुक करूँगी नॉर्मल फ्लेम पर। ये हो गया हमारे रेडी कीमा कोयला कढ़ाई, इसकी फाइनल लुक ये है। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए मेरे चैनल को। जज़ाकअल्लाह देखने के लिए, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।